हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6, फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल्स। ये फिलहाल सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लोग एक्स बाय एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। सिंपल है, लोग एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव करना आपको क्वेश्चन रूल से, देन एफ डैश एक्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करेंगे, 1 इज इक्वल टू लोग एक्स हो जाएगा, 1 का मतलब लोग ई। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई। डबल डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन रूल अप्लाई किया हमने। डबल डेरिवेटिव के बाद आपको क्या करना है, एक्स की जगह ई पुट करना है, जो आपने वैल्यू निकाली थी। लोग ई क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन ई क्यूब, ये हो गया माइनस 1 अपॉन ई क्यूब, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इट इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल विद फिक्स्ड बेस बी। एक आइसोसेलेस ट्रेंगल दे रखी है जिसकी दो साइड इक्वल हैं और अदर देन दैट बेस इज बी, आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो टू इक्वल साइड हैं उनका रेट ऑफ डिक्रीज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है वेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, जो इक्वल साइड है वो बेस के इक्वल हो। तो सबसे पहले जो इक्वल साइड्स हैं वो हमने मान ली, एक्स बेस है बी, तो टू इक्वल साइड्स आर एक्स एंड बेस ऑफ ट्रायंगल इज बी। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू स्क्वायर अंडर द रूट, यानी ए डी हो जाएगा आपका ये ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, एच हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर का रूट, ये एक्स और बेस का हाफ बी बाय टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग रेट है तो हमने यहाँ क्या लगाया, नेगेटिव। इंक्रीजिंग हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो डी एक्स बाई डी टी, एक्स का रेट ऑफ चेंज था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस है बी सी, हाइट है ए डी, बेस क्या दिया हुआ है बी और हाइट ये हमने अभी निकाली है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर अंडर द रूट। तो ये आ गया आपका एरिया। डी ए बाई डी टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डी ए बाई डी एक्स, क्योंकि फंक्शन एक्स में है, फिर डी एक्स बाई डी टी। डी ए बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू निकाला, एक्स डेरीवेटिव इसका रूट का हो जाएगा 1/2 रूट फंक्शन, फिर 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। इसने कहा था जो आपका इक्वल साइड्स हैं वो बेस के इक्वल हैं, तब आपको इसको क्या शो करना है, इट इज़ मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू b रखा हमने यहाँ पर, ये बी स्क्वायर, यहाँ 4b² माइनस बी स्क्वायर 3b² अंडर द रूट है, तो रूट 3b हो जाएगा। यहाँ कैंसिलेशन की, ये आ गया माइनस बी रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था, एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, बी रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, साइड है तो ओनली सेंटीमीटर आ जाएगा, जो भी यूनिट दे रखी है आपको उस हिसाब से। नेक्स्ट है 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कर्व दे रखा है उस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली एट x इज इक्वल टू 1, 2। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई dx की वैल्यू 4/2y, ये हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब पॉइंट आपको गिवन है 1, 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ y की जगह 2 पुट किया हमने, कैलकुलेशन की, y की जगह 2 पुट करके तो स्लोप कितना आ गया, -1। तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट 1, 2 विद स्लोप इज -1, वाई माइनस वाई वन एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस वन इज अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं एक्स वाई, यहाँ से जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो ओरिजिन से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर है, ये शो करना है।
तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा, सिंपल कोस का माइनस साइन थीटा, कोस साइन थीटा पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा साइन का कोस, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस दैट इज टेंजेंट थीटा, तो ये स्लोप किसका आ गया, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी माइनस कोट थीटा। अब इक्वेशन निकालनी है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y1 जो आपको x1 y1 पॉइंट गिवन है ये आपका बनेगा, इस पॉइंट पर निकालनी है ये x1 ये y1, तो y माइनस वाई वन एम, एम का मतलब ये स्लोप जो आपका आया नॉर्मल का इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोस को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सारे कंबाइन करने हैं, कैंसिलेशन के बाद यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम जो वैल्यू है वहाँ पर ओरिजिन पुट कर देते हैं, जैसे आपके पास यहाँ ओरिजिन है ज़ीरो ज़ीरो, आपको इलेवेंथ में किया था हमने ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, तो ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ ज़ीरो पुट किया, यहाँ ज़ीरो पुट किया, तो क्या रह गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस सी, नीचे आता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर अंडर द रूट एंड इट्स मोड, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ज़ीरो माइनस ये रह जाएगा, नीचे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा माइनस ए का मोड दैट इज ए विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये शो करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंटरवल्स निकालनी है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, तो सिंपल ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा इजीएस्ट बना लेते हैं ताकि ये सॉल्यूशन में ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा टू प्लस कोस एक्स, अब इसको सेपरेट करेंगे, टू प्लस कोस एक्स इसके बारे में भी आएगा, इसके बारे में आएगा, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एफ एक्स ये बन गया, अब सिंपल यहाँ पर तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा, यहाँ माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन, फिर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इस 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, इधर से ओपन करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स कॉमन, 4 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका एफ डैश एक्स आया है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ग्रेटर लेस चेक करना है, अब पहले तो डिनोमिनेटर स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं लगाना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 4 माइनस कोस एक्स भी ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 टू 1 लाई करती है यानी 4 से लेस रहेगी, तो इस केस में भी ये ग्रेटर देन 0, अब डिपेंड करता है किस पर, कोस पर डिपेंड करता है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, तो कोस एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है आपका किस में, 0 टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो कोस एक्स पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, नेगेटिव हो गया सेकंड और थर्ड में पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन दिस वन एंड लेस देन 0 ऑन दिस वन, इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल 0 से पाई बाई 2 3 बाई 2 से पाई बाई 2 से 2 पाई और डिक्रीजिंग हो जाएगा पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। इसी तरह सेवन्थ एट्थ क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन्थ में क्या है, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, एक टैंक है रेक्टेंगुलर बेस है उसका रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, ओपन एट द टॉप इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, डेप्थ दे रखी है यानी हाइट दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस के लिए जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो रुपीज 70 है पर स्क्वायर मीटर और रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, और जो साइड्स की कंस्ट्रक्शन का रेट है वो कितना है रुपीज 45, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो कॉस्ट को मेकिंग की जो कॉस्ट मेकिंग है इसकी टैंक की तो वो लीस्ट शो करनी है, तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर बेस है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ माननी पड़ेंगी, तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज एक्स मीटर एंड ब्रेड्थ इज वाई मीटर, हाइट दे रखी है उसने 2 मीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा है 8, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है एल बी एच, क्यूबॉइड का वॉल्यूम
तो एक्स वाई इंटू टू इज इक्वल टू एट, एक्स इंटू वाई फोर, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई x। अब एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या बन जाएगा, बेस रेक्टेंगुलर शेप है बेस की, तो x इंटू वाई, एल इंटू बी। अब कोस्ट क्या दे रखी है, ₹70 पर स्क्वायर मीटर, जो कोस्ट दे रखी है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर दे रखी है, यानी कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹70। तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 17 इंटू एक्स वाई। अब एरिया ऑफ फोर साइड्स क्या होता है, 2 इंटू BH, 2 इंटू HL। तो यहाँ वैल्यू पुट की, एक्स एल बी एच तीनों की वैल्यू है हमारे पास, 4 इंटू x प्लस y। अब कॉस्ट क्या दे रखी है, साइड्स की कॉस्ट दे रखी है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹45। तो कोस्ट ऑफ 4 इंटू x प्लस y हो जाएगी 45 इंटू 4 प्लस x y, 180 इंटू x प्लस y। टोटल कोस्ट को लीस्ट शो करना है, टोटल कोस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एरिया ऑफ बेस, कोस्ट ऑफ बेस और कोस्ट ऑफ फोर साइड्स। तो ये आपकी टोटल कोस्ट हो गई। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ये एक्स वाई दो वेरिएबल में है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4 बाई x यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 280 प्लस 180x प्लस 720 बाई x। सिंपल डेरिवेटिव इसका 0, ये 180, ये 1 बाई x का हो जाएगा -1 बाई x2। डेरिवेटिव को क्या करना, पुट दैट इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यूज ऑफ x। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव को 0 किया, x की दो वैल्यू आ गई ±2। जो x है वो क्या है, लेंथ है, तो इट कांट बी नेगेटिव, सो वी टेक x इज इक्वल टू 2। देन मेक इट सेकेंड डेरिवेटिव, इट बिकम्स 1440 अपॉन x³। अब पुट दैट x इज इक्वल टू 2, वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, सो इट इज मिनिमम, मिनिमम मीन्स लीस्ट इज कोस्ट इज देयर। कोस्ट क्या हो जाएगी, लीस्ट ये शो करना था। आप कोस्ट कैसे निकालेंगे, जो टोटल कोस्ट आई थी उसमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, 2, तो ये आ जाएगी ₹1000। क्वेश्चन नंबर 10th, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, एक स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर का जो सम है वो के दे रखा है। तो अगर हम स्क्वायर की साइड x मान लेते हैं तो पेरीमीटर 4x हो जाएगा, रेडियस अगर r मानते हैं सर्कल का तो पेरीमीटर हो जाएगा 2πr। अब जो फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रही है, पेरीमीटर और जो सर्कल और स्क्वायर है इन दोनों का जो सम है टोटल वो किसके इक्वल है, के के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, ये के इक्वल रख देंगे, 4x प्लस 2πr इज इक्वल टू के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, x, इसको डबल द रेडियस लेना है, शो करना है, और एरिया को क्या शो करना है, सम ऑफ देयर एरियाज यानी कंबाइंड एरिया को लीस्ट शो करना है, मिनिमम। तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड x स्क्वायर, सर्कल का एरिया πr² इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ k-2πr/4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है, dA/dr निकालना है, पुट दैट इक्वल टू 0। इसको 0 करने के बाद यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी k/2π+8। r की वैल्यू आने के बाद आप x की निकाल सकते हैं, x क्या था हमारे पास, k-2πr/4। तो यहाँ पर पुट कर देंगे k-2πr की वैल्यू ÷4, इसको सिंप्लीफाई करना तो ये आ जाएगा 2 इंटू k/2π+8। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 times of r, ये हमें शो करना था, r का डबल कर दें तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसको 2r लिख सकते हैं, जहाँ पर r क्या है, k/2π+8। अब इसको लीस्ट शो करना था मिनिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपका π² + 4π/2, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2r। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है हमारे पास, ए विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है जो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और ऊपर क्या है यहाँ पर, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज़ 10 मीटर, टोटल पेरीमीटर 10 दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, इसमें कितनी मैक्सिमम लाइट पास हो, तो इस हिसाब से आपको डायमेंशन निकालनी है कि इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो रेडियस कितना है, रेडियस मान लिया हमने आर, साइड मान ली हमने, साइड ऑफ रेक्टेंगल इज
2r एंड अदर साइड इज x. एक मान ली हमने 2r, ये 2r हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रेडियस r मानते हैं तो ये पूरी साइड 2r हो जाएगी. तो एक साइड 2r हो गई और एक साइड क्या मान ली हमने, x. अब पेरीमीटर दे रखा है विंडो का 10 मीटर. पेरीमीटर का मतलब यहाँ पर सम हो जाएगा इस पूरे सरकमफ्रेंस का, किस किस का, x प्लस एक्स 2x, ये 2r, और ये क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr. तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2πr, दैट इज πr. तो हाफ ऑफ 2πr कितना हो जाएगा, πr. तो यहाँ आ जाएगा πr. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाली. अब एरिया लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का, तो हो जाएगा हाफ ऑफ πr स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी. तो एक साइड इसकी कितनी है 2r, और एक साइड क्या है x. अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से x की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, सारी वैल्यू r में हो जाएगी, dA by dr निकालेंगे, सिंपल पुट दैट इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू ऑफ r. तो r की वैल्यू आ जाएगी 10/π+4. x की जो वैल्यू थी r की फॉर्म में यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने के बाद x की वैल्यू भी आ जाएगी 10/π+4. सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, 10 का 0, पाई r का पाई हो जाएगा क्योंकि r का 1 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा. तो माइनस कॉमन, पाई प्लस 4, इट इज़ नेगेटिव, लेस देन 0, सो इट इज़ मैक्सिमम. एरिया मैक्सिमम है, इसका मतलब इसमें से मैक्सिमम लाइट पास हो सकती है जब रेडियस कितना है 10/π+4. और जो अदर साइड, एक साइड तो हो जाएगी आपकी x, और दूसरी साइड की थी क्या थी, अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 2r. 2r का मतलब रेडियस का डबल कर देंगे, 20/π+4. एरिया को मैक्सिमम शो करना था सो दैट इट गेट द मैक्सिमम लाइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. 12th में क्या है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल दे रखी है, उसमें जो हाइपोटेन्यूस है ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. एक साइड से ए डिस्टेंस पे, एक साइड से बी डिस्टेंस पे है. शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस को मिनिमम शो करना और उसकी लेंथ ही शो करनी है आपको. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी ए सी हमने लेट कर लिया, बी ए सी थीटा. तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है. यहाँ पर ए पी की वैल्यू निकालेंगे पहले. तो हाइपोटेन्यूस निकालना आपको, ये आपका थीटा है, इधर से ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए, पी ए अपॉन पी ए अपॉन क्या हो जाएगा आपका ओ पी, पी ए अपॉन ओ पी. जो एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में होता है. तो ये बेस हो गया आपका, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया. तो एंगल हम क्या ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, पी ए अपॉन पी ओ. हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा. अब पी ओ की वैल्यू कितनी है, पी ओ की वैल्यू है आपकी ए, तो ये हो जाएगा ए कोसेकेंड थीटा. इसी तरह यहाँ से एच अपॉन बी, यानी पी सी अपॉन बी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा. हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सीकेंड थीटा. तो पी सी की वैल्यू बी सीकेंड थीटा. अब हाइपोटेन्यूस कंप्लीट क्या बन गया आपका, ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी, ए कोसेकेंड थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा. अब सिंपल डिफरेंशिएट करना है डी, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करने के बाद पुट दैट इक्वल टू 0, 0 करने के बाद यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू ए कोट क्यूब थीटा. यहाँ से टेन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट को उधर ले जाएंगे, टेन बन जाएगा ए बाय बी. टेन थीटा की वैल्यू आ गई ए बाय बी रेस्ट पावर 1/3. तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ए बाय बी रेस्ट पावर 1/3. अब हमें क्या करना है, जो हाइपोटेन्यूस है उसको शो करना है. तो वहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है उसमें कोसेकेंट और सीकेंट है, तो यहाँ से कोसेकेंट और सीकेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. टेन थीटा की वैल्यू है ये, तो टेन स्क्वायर की हो जाएगी इसका स्क्वायर, 1 + tan² किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर. तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो कॉस स्क्वायर की क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल. इसको रिवर्स कर दिया, कॉस स्क्वायर से कॉस की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर दिया. इसी तरह यहाँ पर कोट से 1 + cot² दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया और स्क्वायर कर दिया,
तो ये कॉसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। कॉसिकेंट स्क्वायर का रिवर्स कर दें, इस वैल्यू को रिवर्स कर दें तो साइन स्क्वायर की हो जाएगी, और स्क्वायर रूट कर दें तो साइन हो जाएगा। यहाँ जो भी टू हैं वो कैंसिल होके 1/3 रह जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आपके पास साइन और कोस की वैल्यू आ गई। साइन और कोस की या फिर हाइपोटेन्यूस निकालें तो क्या था हमारे पास, ए कॉसिकेंट प्लस बी सिकेंट, जो भी वैल्यू निकाली है यहाँ कॉसिकेंट की और यहाँ सिकेंट की पुट करनी है। सिंपल एलसीएम लेना है और इसको सिंपलीफाई करना है। एलसीएम ना भी लें तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ये की पावर 1 है, ये 1/3 है, ये 2/3 रह जाएगा। यहाँ बी की पावर 1 है, बी की पावर 1/3 है, इसको कैंसिल करें तो बी की पावर 2/3 हो जाएगा। फिर आपका ये पार्ट रूट वाला कॉमन आ जाएगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो 3/2 हो जाएगी। ये आपको शो करना था कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू दिस वन। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आप सॉल्व करेंगे तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। दैट मींस ग्रेटर देन 0 मींस मिनिमम। तो जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ है वो आपको ये शो करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।